बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जा रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मार्बल केक। गाइज, ये केक बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और आज हम इसको बगैर दूध के, बगैर अंडों के, पानी से बनाएंगे। गाइज, ये केक बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने पानी से बनाया है। तो चलिए गाइज, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइज, मैंने एक बाउल लिया है, उस पर एक छन्नी रख दी है। सबसे पहले हम इसमें एक कप मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब मैं इस पे ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। गाइज, बेकिंग पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें ही इसमें डालना जरूरी है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए, क्योंकि हम इसमें जो है अंडे वगैरह नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए, मैंने बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं 2 पिंच इसमें जो है नमक ऐड करूंगी, और नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से फ्लेवर के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। गाइज, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, नीडो वगैरह, मैंने जो है इसमें नीडो ऐड करा है। और इन चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए गाइज, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, और मैदे को छानना ज़रूरी होता है जब हम बेकिंग करते हैं। तो एक दफ़ा और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने लिया है जूसर ब्लेंडर, इसमें 1/2 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है, और 1/2 ही कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। गाइज, हम पानी से केक बना रहे हैं तो इसमें पानी तो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। और ऑयल जो है आप घर में जो जिससे खाना वगैरह बनाते हैं वो ले लीजिएगा। ये देखिए गाइज, इसको हम इतना ब्लेंड करेंगे कि चीनी का दाना बिल्कुल खत्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट हम इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए गाइज, ये जो मैदा हमने छान के रखा हुआ था उसमें हम इसको ऐड करके और बहुत ही हल्के हाथ से इसको एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। गाइज, हमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं मिलाना है, बस इतना मिलाना है कि इसके लम्स वगैरह खत्म हो जाए। और देखिए मैं किस तरह हल्के हाथ से मिला रही हूँ, इसी तरह आप लोग भी मिलाइएगा। मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि आपको कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देखने को मिले। ये देखिए, ये मिल चुका है, और अब जो है हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गाइज, विनेगर डालना जरूरी है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है कोई खट्टी चीज डालनी पड़ेगी। या तो आप विनेगर डालें या आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसमें। और इसको डालने के बाद मैंने अच्छे से मिला लिया है, और ये हम बिल्कुल लास्ट में ही डालेंगे। अब मैं इसमें से 1/2 जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी। ये देखिए गाइज, मैं जो है इसमें से 1/2 निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद अब मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। ये देखिए, मैंने छोटी सी छन्नी ली है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डालकर और इसमें छान लेंगे। गाइस, छानना जरूरी है ताकि इसमें से जो गुठलियाँ वगैरह हैं कोको पाउडर की वो खत्म हो जाए और कोई लम्स ना बने हमारे बैटर में। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसको छान लिया है, अब बहुत ही आराम से ये अब मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही इसको डाल देंगे तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, और ज़्यादा हमें इसको फेंटना पड़ेगा, और अगर हम ज़्यादा जो है बैटर को फेंट लेते हैं तो वो राइस नहीं होता है। ये देखिए, मैंने इसको जो है छान लिया है, और छानने के बाद अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में इसी तरह हल्के हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए गाइज, मैं किस तरह एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से इसको मिला रही हूँ। तो गाइज, ये देखिए हमारा जो है कोको पाउडर बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब मैंने जो है केक टिन को पहले ही ग्रीसिंग करके और बटर पेपर लगा कर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1/1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे, और मैं सबसे पहले जो है ये व्हाइट रंग का जो हमने बटर बनाया है वो ऐड करूँगी। ये देखिए गाइज, फिर हम इसमें कोको पाउडर वाला ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा हुआ है, और ये काम भी हम ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम जब इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और आप लोग ये काम जो है जल्दी करिएगा, और पतीले को पहले ही प्री हीट पर रख दिएगा, क्योंकि मैंने भी पहले ही प्री हीट पर रखा हुआ है 10 मिनट से। ये देखिए गाइज, मैं किस तरह इसमें जो है बारी बारी डाल रही हूँ। अब मैं इसको जो है एक स्टिक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। आप लोग टूथपिक वगैरह से भी बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना चाहते डिज़ाइन तो आप लोग इस तरह से भी इसको बेक कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा फ्लावर सा बन गया है ये। और अब मैं इसको जो है एक दफ़ा और बीच में से घुमा लूँगी ताकि एयर भी इसमें से निकल जाए। देखिए गाइस, हमारा केक जो है बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। गाइस, ये मैंने पतीला पहले ही 10 मिनट पहले रखा हुआ था। अब मैं इसमें बहुत एहतियात से इसको रख दूँगी, और मैंने एक स्टील की प्लेट जो है पतीले में रखी हुई है पहले से। ये देखिए गाइस, 45 मिनट हो गए हैं हमारे केक को बेक होते हुए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये फूला है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें स्टिक डालकर। ये देखिए गाइस, अभी जो है मुझे थोड़ा सा बैटर इसमें नज़र आ रहा था, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से बेक करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 50 मिनट में ये जो है हमारा केक तैयार हो गया था, और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है आपने भी, बिल्कुल जैसे हम चावल दम पर रखते हैं। ये देखिए गाइज, हमारा केक जो है माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गाइज, मैंने पतीले से इसको निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं केक हमारा कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है, और लग ही नहीं रहा है हमने पानी से केक बनाया है। तो इसके ठंडा होने पे मिलते हैं गाइज।
ये देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जो है प्लेट में निकाल लूंगी। ये केक बहुत ही जबरदस्त बेक हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैं इसमें छुरी से इसको अलग कर रही थी, लेकिन ये पहले से ही अलग हुआ हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसको काउंटर पर टैप किया है और ये देखिए केक हमारा कितना आसानी से बाहर आ गया है। अब मैं इसमें से बटर पेपर भी उतार लूंगी, बहुत ही आसानी से बटर पेपर निकल जाएगा। ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त हमारा केक बेक हुआ है, आप लोग देख सकते हैं नीचे से भी। गाइस आप लोग भी इस केक को जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग इस तरह से जो है प्लेन केक बनाकर भी आइसिंग वगैरह कर लें और किसी की बर्थडे पर इस केक को बना सकते हैं। ये देखिए इसका स्पॉन्ज कितना जबरदस्त बना है, आप लोगों को जो है मैं करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस लग ही नहीं रहा कि हमने इसमें जो है पानी डाला है और पानी से ये केक बनाया है। तो गाइस मैं आप लोगों को जो है कट कर भी दिखाती हूँ अंदर से केक कितना जबरदस्त लग रहा है। आप लोग इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ही ये बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को इसकी कटिंग से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना नरम बना है और ये देखिए इसका अंदर से लुक कितना शानदार है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है बगैर अंडों के और बगैर मिल्क पाउडर के और ना ही इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है और ये देखिए हमारा केक कितना जबरदस्त बना है। हमने सिर्फ इसमें पानी और तेल और चीनी और मैदे से ये तैयार करा है, आप देख सकते हैं केक की फाइनल लुक कितनी जबरदस्त है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत आसान रेसिपियां लेके आ सकूं। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।